हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेटवर्क एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 8 है आज, जिसमें हम इंडक्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो इंडक्टेंस को डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि इंडक्टेंस को समझने के लिए हेल्पफुल होंगे। इंडक्टेंस जो है वो हमारा किससे रिलेटेड होता है, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम समझेंगे, उसके बाद हम इंडक्टेंस पर जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमने एक करंट आई फ्लो करा दी है। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब यानी कि कोई कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है उस समय, यानी कि जब वो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है, तो इस स्थिति में वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करने लगता है। इस फील्ड को ही हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जिसको हम बायो सेवर्ट लॉ या एम्पियर्स लॉ से कंप्यूट करते हैं। यहाँ पर हमने यही डेफिनेशन लिखी है, एनी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड दिस फील्ड कैन बी कंप्यूटेड बाई मीन्स ऑफ बायो सेवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो होते हैं वो हैं, उनमें से एक टर्म है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, बी इक्वल टू म्यू एच, जहां पर म्यू जो है वो होता है परमिबिलिटी। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, जहां पर म्यू नॉट इज इक्वल टू परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड म्यू आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिबिलिटी। ओके, तो परमिबिलिटी क्या होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाई विच इट अलाउज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टू पास थ्रू इट। यानी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके जरिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं उसमें उस एलिमेंट में या उस मटेरियल में पास होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो हमारे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। इसका क्या मतलब है, सपोज ये हमारा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ से जो हमारी ये फ्लक्स लाइंस जा रही हैं, ये इसको हम एरिया वेक्टर बोल सकते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया होता है। तो जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन लाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, इफ अ फ्लक्स फाई पासिस थ्रू एन टर्न्स ऑफ क्वाइल्स, एन टर्न्स ऑफ क्वाइल मीन्स सपोज हमने ये हमारे एन नंबर ऑफ टर्न्स की एक क्वाइल है और इससे हमारी कुछ फ्लक्स लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इफ अ फ्लक्स फाई पासिस थ्रू एन टर्न्स ऑफ क्वाइल देन द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्वाइल इज कॉल्ड द फ्लक्स लिंकेज। यानी इस क्वाइल में से जितना भी ये फ्लक्स पास हो रहा है इसको ही हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज।
अगर कोई हमारी फ्लक्स लिंक लाइन जो है वो ऊपर से पास हो रही हैं या नीचे से पास हो रही हैं, जो इन कॉयल्स के थ्रू होकर नहीं जा रही हैं, उसको हम फ्लक्स लिंकेज नहीं कहेंगे। तो जो फ्लक्स हमारा हमारी कॉयल से लिंक कर रहा है, जैसा नाम है लिंकेज, जो कॉयल से लिंक कर रहा है उसको हम फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं, इसको हम साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम इंडक्टेंस के डेफिनेशन पर आ सकते हैं, क्योंकि इंडक्टेंस की डेफिनेशन जो है फ्लक्स लिंकेज से रिलेटेड होती है। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिवाइस टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, मतलब मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो फ्लक्स लिंकेज को चेंज करने में अपोज करता है, फ्लक्स लिंकेज को चेंज होने से रोकने की कोशिश करता है, उस प्रॉपर्टी को हम इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फ्लक्स लिंकेज, किसी कॉइल का जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो उस कॉइल के अंदर बहने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी साइन इज प्रोपोर्शनल टू आई। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है साइन इक्वल टू एल आई। ओके, यहाँ पर L जो है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल होता है। यूनिट जो है इस L की हेनरी होती है और इसे हम इंडक्टेंस बोलते हैं। तो अगर यहाँ से हम L की वैल्यू निकालें तो L इक्वल टू साइन अपॉन आई आता है। तो ये बेसिकली हमारी इंडक्टेंस की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हम समझेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स में भी यूज होते हैं। पहला रूल है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ को समझने के लिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम वेरिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो वेन एवर फ्लक्स लिंकेज ऑफ अ क्वाइल वेरीज विद टाइम, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द क्वाइल विच इज इक्वल टू द टाइम रेट चेंज ऑफ फ्लक्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे किसी क्वाइल में बहने वाला जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो उस क्वाइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है। ठीक है, उस ईएमएफ की वैल्यू जो है वो होती है हमारी इक्वल टू डी साइन ओवर डी टी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब सेकंड है हमारा लेंज लॉ। लेंज लॉ को हम जो है 12th में भी पढ़ के आए हैं। लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द कॉज ऑफ इंडक्शन, यानी कि अब ई इक्वल टू माइनस का डी साइन अपॉन डी टी, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ इंडिकेशन अपोजिशन इंडिकेट करता है। अब क्योंकि साइन की वैल्यू हम यहां पर निकाल चुके हैं, साइन इक्वल टू होता है हमारा एल आई, तो साइन की वैल्यू अगर हम यहां पर रख दें तो E जो है वो हमारा हो जाएगा D साइन अपॉन डी टी, यानी इसे हम ले सकते हैं D अपॉन साइन की वैल्यू रख दी हमने एल आई। ठीक है, अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो E यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको हम L को बाहर ले जाएंगे, L D I अपॉन
डी टी, ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ होता है। ठीक है, इसे हम इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं इंडक्टर के अंदर। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इंडक्टर को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इंडक्टर में हम ईएमएफ को या वोल्टेज को कैसे डिनोट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो फिर से इसका डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये था हमारा इंडक्टर और इसमें करंट जो है अंदर की तरफ फ्लो हो रही है। तो जब इंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में हम सिंबल क्या लेते हैं, प्लस एंड माइनस, तो इंडक्टर जो है हमारा पैसिव एलिमेंट की तरह साइन कन्वेंशन हम इसका यूज करते हैं, यानी कि ये जो है हमारी पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो इस केस में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी। अभी हमने लेंज लॉ समझा था, बट अगर हमारा इंडक्टर का सिंबल किसी न्यूमेरिकल में या कहीं पर भी इस टाइप से अगर दिया हुआ है, करंट बाहर की तरफ जा रही है और प्लस माइनस इस तरह से दिया हुआ है, तब उस केस में हमारा V क्या होता है, जस्ट एक हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं माइनस का, L डी आई अपॉन डी टी। तो इस केस में ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि हमारा जो इंडक्टर है वो पावर को डिलीवर कर रहा है। अब अगर इंडक्टर में हमें पावर कैलकुलेट करनी हो, पावर इन अ इंडक्टर, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या पढ़ी थी हमने, इंस्टेंटेनियस पावर को हम पी टी लिखते हैं। ठीक है, पी टी इक्वल टू वी टी इंटू आई टी। अब वी टी कितना है, एल इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो है एल डी आई टी अपॉन डी टी इंटू आई टी, एल आई टी डी आई टी अपॉन डी टी। ठीक है, ये हो गई हमारी पावर। अब एनर्जी को भी समझ लेते हैं। अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ पावर, और पावर क्या है, एल आई टी डी आई टी अपॉन डी टी इंटू डी टी। ठीक है, यहां पर डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम अभी के लिए फिलहाल टी को इग्नोर कर दें तो यहां पर हो जाएगा एल आई और डी आई। अब L को ही हम बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी आई, तो डी आई के टर्म में I का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा L I स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइनली एनर्जी हमारी क्या निकल के आएगी, 1 बाई 2 एल आई स्क्वायर। ये इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी होती है। इसको हम इंस्टेंटेनियस एनर्जी बोलते हैं। इट इज इंस्टेंटेनियस एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर।
ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। अच्छा एक चीज़ और है अभी, अगर हम एक कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे स्टेडी स्टेट से रिलेटेड, तो स्टेडी स्टेट को भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। स्टेडी स्टेट ऑफ एन इंडक्टर, स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है हमारा करंट इन एन इंडक्टर सेटल्स डाउन टू अ फिक्स वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा करंट था IT वो यहाँ पर कांस्टेंट होता है स्टेडी स्टेट में। तो हमारा जो वोल्टेज है VT इक्वल टू क्या था LdIdt, तो कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है जीरो, L इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। और अगर वोल्टेज जीरो हो गया इसका मतलब क्या हो गया, वो हमारा जो सर्किट था वहां पर वो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है यहां से नोट निकल के कि स्टेडी स्टेट की कंडीशन में जो इंडक्टर होता है वो हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। इंडक्टर बिकम्स शॉर्ट सर्किट अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो ये तो था इंडक्टर का ओवरव्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।